अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय चैनल। आज जो है मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन, छोटी सी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। दो दिन की मिलाकर ये वीडियो बनाई है। आज जो है वो ईद का थर्ड डे है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये जो है मैं आपको दिखा रही थी, थोड़ी सी बारिश से ही जो है वो ट्रैफिक जैम और बस ये हालात। अच्छा, ये देखिए ज़रा बाहर अभी भी जो है वो बारिश का सीन है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से कितने प्यारे प्यारे से माशाल्लाह से क्लाउड आए हुए हैं। पता नहीं नज़र आएगा नहीं, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है। ये हमारी जो है वो सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, फ्लैट्स में रहते हैं हम लोग, तो ये मैंने अपना गेट का दरवाज़ा बंद किया। सेफ्टी भाई शुड बी फर्स्ट। चलो जी। अच्छा, ये जो है तो मज़ेदार माशाल्लाह से, ये कोई आम है ना, बहुत ही जायकेदार। तो ये जो है पेटी, दो पेटियाँ थी, इनसे निकाल के बाहर रखे हैं। अच्छा, ये बाहर से फिर भी कच्चे नज़र आ रहे हैं लेकिन अंदर से पके हुए हैं, मतलब जैसे गले हुए टाइप होते हैं ना वैसे निकल रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है ना आम बेचारों को, गर्मी भी इतनी पड़ रही है तो वो भी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। तो जायकेदार आम। तो आज जो है मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ दिल ही नहीं कर रहा था खाने को, तो मैंने सोचा चलो एक आम और एक आड़ू क्यों ना खाया जाए। इसको मैं कट करके आपको दिखाती हूँ मैजिक अपना जो है वो आम और मैंने आड़ू जो है वो कट किया जो, और इसको मैं खा रही हूँ। अच्छा, ये जो है रात को मैंने लगवाई थी अपनी आपी से ये मेहंदी, तो मैं आपको दिखाना जो है वो उस रात के वक्त भूल गई मैं। तो ये देखिए ज़रा, एक हाथ पर लगाइए और ये है नेक्स्ट ईद का नेक्स्ट डे, मतलब फोर्थ डे, और चाय के साथ नाश्ता वगैरह। और ये जो है हमारी रात की वीडियो है। ये चपली कबाब मैं बना रही थी, ये देखिए सर शेप पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, और ये इतने कोई जल रहे थे ना, चिपक रहे थे, लेकिन यार इतने कोई मज़ेदार बने थे ना, बता नहीं सकती मैं, बस मज़ा आ गया। मैंने तो बनाते बनाते ही दो तीन खा लिए। अच्छा, ये देखिए ज़रा, ये चपली कबाब का मसाला साथ में मैंने सोचा एक चीज़ से ना दो चीज़ें क्यों ना बनाई जाए। उसी चपली कबाब के मसाले से ना मैंने सीखे भी बना ली यार, बस अक्ल इस्तेमाल करो थोड़ी सी, सब घर वाले खुश हो जाते हैं। तो ये देखो, ये मैंने सीखे भी बना लिए और सब घर वाले बड़े हैरान हो गए कि भाई। अच्छा, ये सीखे बड़ी शौक से खाई गई थी, सब ने सोचा कि मैंने अलग थलग बनाई होंगी ये, लेकिन ये इसी के अंदर से ही मैंने बस निकाली थी चपली कबाब के मसाले, इसको सीख पर लगाया और इसको ऐसे रखा और अच्छी सी मज़ेदार सी सीखें तैयार। देखिए आप ज़रा। अच्छा, ये जो है ना मैंने देसी घी में बनाई थी। ये जो छोटा सा आपको कटोरे में नज़र आ, जो मलाइयाँ जमा कर करके निकालते हैं ना, वो वाला देसी घी है ये। ये देखिए ज़रा आपके सामने, मैं वीडियो में ही कितनी दफ़ा खा चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल्स।